अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं समीज़ न्यूज़ प्रोग्राम वसीफ केरान का। मैं हूं मेज़बान असलम दानी। आज हमारे स्टूडियो में एक अहम शख्सियत, बहुत अच्छे गुलकार, खूबसूरत शख्सियत के मालिक और वसीफ का एक खूबसूरत रंग मौजूद है। आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुर्बान अली साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, आपकी मेहरबानी, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। सब तो पहले तो मैं समीज़ न्यूज़ का शुक्र गुजार हाँ कि उन्होंने सबको अपने चैनल पर शुक्रा है परफॉर्म का मौका दिते। तो बेहद शुक्र गुजार मैं असलम हमदानी साहब का कि जिन्होंने सबको अपने प्रोग्राम में शमूलियत दी है। मेहरबानी। आपको ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? आप बेसिकली गुलकार हैं या बुनियादी तौर पर भी गुलकार पैदा हुए थे? नहीं नहीं सर, मैं बेसिकली गुलकार कहनी वैसे एक शौक है कि मैं को भी लोग सुनन, मैं भी अपना परफॉर्मेंस करा, सॉन्ग आखा, गाने आखा, बस शौक लग गया। आपने महफिल अटेंड की होगी या दोस्तों में गाते रहे हैं सिर्फ? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, महफिल भी बहुत ज़्यादा अटेंड की है, दोस्तों के बीच भी गाते रह गए, बैठक प्रोग्राम भी करते रह गए। आपने बाज़ाब्ता इसकी तालीम हासिल की है या सिर्फ बस उठाया और शुरू हो गए? ना ना सर, बेसिकली तालीम होती है, तालीम ही हासिल की है मेरे उस्ताद मोहतरम अंसर अब्बास किची साहब, माशाल्लाह, वही अच्छे क्लासिकल सिंगर हैं, बहुत बड़ा नाम है, बहुत अच्छे बेबी दोस्त हैं जिन्होंने सबू यानी कि सीखा है, क्योंकि ये तालीम है, ये तो पूरी ज़िंदगी इंसान सीखता ही रहा है मेरे। हाँ, फन समंदर है ये, खतरनाक ख़त्म होने वाली जिंदगी का सर है। आप राग गाते होंगे, मुख्तलिफ राग में गाते होंगे, आप किस राग में गाना पसंद करते हैं? दरबारी में, भैरवी में, मुख्तलिफ यानी के कई जोग भी गा गिन हैं, भैरवी भी गा गिन हैं, तिलंग डाखनी, दरबारी, अहमन सरन, जो चीज़ भी, क्योंकि आवाम की चॉइस के उत्ते, जो चीज़ आवाम के उत्ते डिपेंड है, जो चीज़ पसंद करे सन वो राग च सुनावना है संगीत। वैसे हमारे इलाका, हमारे वसे में तो डाकड़ी में अक्सर तकरीबन ज्यादा डाकनी, जोग, हाँ, ये चीज़ दरबारी वगैरह, ये चीज़ें भी अच्छा चल रहा है, माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, एक जाती सा सवाल है, आप महसूस नहीं कीजिएगा, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है किसी को लगती है चोट, किसी को लगता है इश्क, तो फिर वो मलंग बन जाता है। आप ये कोई मलंग बनने की जो है, मलंग बने हैं या आप बेसिकली गुलकार बने हैं? नहीं नहीं, बस शौक ही, बस यानी मलंग का कोई जिक्र नहीं, नहीं नहीं, इश्क की कोई चोट नहीं, नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, यानी आप इश्क जाके लगा है? नहीं, बस अल्लाह का शुक्र है, बस ऐसे शौक है, शौक की वजह को। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत प्यारा शख्सियत, बहुत प्यारी है। आपके उस्ताद जो है वो बहुत नामी गिरामी उस्ताद हैं और वो मिलनसार हैं, माशाल्लाह। अच्छा, एक और बात पूछूं, आप रियाज करते होंगे? बिल्कुल, रियाज भी करते हैं। ठीक है ना, तो रियाज आप घर में करते थे या बाहर जाके करते? नहीं, अपनी एक एकेडमी बनाई हुई है। अच्छा, जैसे सरायके में चुबारा बोलते हैं, बस वहाँ रियाज करते हैं, कभी उस्ताद साहब के पास जाते हैं, कभी खुद। अब किसी मोहल्ले वाले ने कोई शोर तो नहीं किया यार हमें सोने दो यार? नहीं नहीं, अलहदा एक निज़ाम है, अलहदा एक सर्कल है। आपने कोई ऑडियो वगैरह या एल्बम वगैरह आपका मार्केट में? अल्लाह का शुक्र है, मेरे 3-4 नंबर है मार्केट में और बहुत ही अच्छे चले, ऑडियो भी है, वीडियो भी है उसमें। अच्छा, एक और सवाल ये है कि क्या आपको कोई शिकायत अपने इलाके, अपने वसे की, लोगों की, कि उन्होंने आपको अप्रिशिएट नहीं किया, रिस्पांस नहीं मिला? बाज़ों का तो होता है घर का पीर तुलका वटा, ये एक मिसाल कायम है। मुझे ये बताया कि क्या आपको अपने ही इलाके में पज़ीराई मिली है या आप बाहर जाके ज़्यादा पज़ीराई मिली है? अल्लाह का शुक्र है, अपने इलाके में भी मिली है, लेकिन जो बाहर वाले परफॉर्म्स का यानी कि ज़्यादा करते हैं ना, बाहर वाले ज़्यादा पसंद करते हैं, अपने भी हैं, लेकिन वो एक मशहूर मिसाल जो आपने बताई है, अपने तो इतना ज़्यादा नहीं होते, फिर बाहर में ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला है, दाजल, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, फाजलपुर, इस तरह के इलाकों में। आप क्या चाहते हैं कि कोई आपको प्रमोट करे? वैसे कोई ऐसा इदारा होना चाहिए या कोई ऐसी शख्सियत होनी चाहिए जो इन फनकारों को प्रमोट करे, आगे ले जाए, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे, कोई ऐसा इदारा होना चाहिए क्या? होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए, क्योंकि ये तो एक अभी
جیسے یعنی کہ ایک شیڈول بن گیا ہے سنگنگ کا، ایک ادارہ ہونا چاہیے ہمارے پرفارمز کا، ہمارے حقوق کا، جو یعنی کہ ہمارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، جیسا کہ ابھی اللہ کا شکر ہے ہمارے جام پور میں سمیز نیوز بنا ہے، وہ ہمیں بلا رہے ہیں، ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ایسے ادارے اور بھی ہوں جو ہمیں آگے پھیلائیں، کیونکہ ٹیلنٹ یہاں تک نہیں رہنا چاہیے، ہم کہتے ہیں کہ بھائی بہر کے لوگ بھی سنیں۔ ویلکم، سمیز نیوز ایسے ہی ٹیلنٹ کے لیے ہے، ایسے ہی نوجوانوں کے لیے ہے، ایسے ہی فنکاروں کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، یہ انشاءاللہ پروموٹ کرے گا، انشاءاللہ آگے بڑھائے گا۔ آپ اپنی پیاری سی آواز میں آج ہمیں اپنا گیت سنائیے۔ ہت لوں دے رہے گئے میں دلوں سہی لومنی ہئی میں لامنی ہئی، گھر میل دے مچی وچ خچی مچ گئی، جن تھیوڑا جنیا میں پڑ دا پا دیوی دیوڑا میں ڈھولک آپ بجاونی ہے، ارمان ہوں کفان دیوا بھیجے جے لال پوشاک پوا، ٹھیک ہے بے پھر ہے اساں مارے ہوئے در ہے اساں، تو منے یا نہ منے، تو منے یا نہ منے، تیرے نوکر ہے اساں مارے ہوئے در ہے اساں، ٹھیک بے پھر ہے اساں مارے ہوئے در ہے اساں، کون تھی دے ہے تیرے درد پی دے ہے تیرے، کون تھی دے ہے تیرے درد پی دے ہت دے، سیپ سی دے ہت دے سر دی چادر ہے اساں، تو منے یا نہ منے، تو منے یا نہ منے، تیرے نوکر ہے اساں مارے ہوئے در ہے اساں، گال پووی جے پلے، 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 اج وی ہے تے ڈرلے تے دے پیرے دے تلے، سنگ مر مر ہے اساں، تو منے یا نہ منے، تیرے نوکر ہے اساں مارے ہوئے در ہے اساں، کوئی ارادہ چڈتا سکھنا وعدہ چڈتا، کوئی ارادہ چڈتا سکھنا وعدہ چڈتا، دکھ زیادہ چڈتا کیوں جو پتھر ہے اساں، تو منے یا نہ منے، تو منے یا نہ منے، تیرے نوکر ہے اساں مارے ہوئے در ہے اساں۔ آخری مصرع دوستاں دی نظر بہت اچھا، ناروا ڈھول میں کونڈو سنا بول میں کون، ناروا ڈھول میں کونڈو سنا بول میں کون، باہر نا گول میں کون، اپنے اندر ہے اساں، تو منے یا نہ منے،
तू मने या न मने तै देनो कर है असा माजे होए दर है असा। वाह वाह बहुत खूब। मारे होए दर है असा, मारे होए दर है असा। ये हमारे वसीब के गुलकार, उभरते हुए गुलकार कुर्बान अली करल, कितनी प्यारी आवाज़, कितनी खूबसूरत आवाज़। ये हमारे वसीब के रंग हैं और खूबसूरत रंग। आओ इन्हें चुने और एक खूबसूरत माला तैयार करें। ये कौन करेगा? ये मैं और आपकी जिम्मेवारी है। आज अगर हमने ये ना किया, ये हमारे कीमती असासा बिखर जाएगा। मैं आपसे इल्तमास करता हूँ, फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आओ समीर न्यूज़ का साथ दो। जैसे हमने इनको इकट्ठा किया, इनको बाहर निकाल के आए, आओ इनको प्रमोट करो, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराओ और इन मोतियों को, इन हीरों को बाहर निकालो। फिलहाल आइंदा आने वाले प्रोग्राम तक आपके अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम दानी, अल्लाह निगहबान।